हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इलस्ट्रेटर में पाई ग्राफ बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हम ग्राफ टूल में जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से हम पाई ग्राफ बनाएंगे। पाई ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। हम यहाँ पे डाटा देंगे और इसको, ये हमारा डाटा है, ये हमने डाटा दे दिया। ये डाटा देने के बाद हमने क्या किया, इनके कलर्स चेंज कर दिए। या हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने इसको पकड़ा, हाफ सर्कल को पकड़ा और इसका कलर चेंज कर दिया, ग्रीन कर देते हैं इसका। और इन सब के स्ट्रोक कर देते हैं नन। अब हम इसमें सिलेक्ट करते हैं और इफेक्ट्स में जाते हैं। इफेक्ट्स में गए 3D में, एक्सट्रूड एंड बेवल में जाएंगे। एक्सट्रूड एंड बेवल में जाने के बाद प्रीव्यू पहले ऑन कर देते हैं और हम इसमें जैसे हम रखना चाहें इसको रख सकते हैं कि हमारा ये दिखे। ऊपर वाला साइड, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है सिलेक्टेड है, ये हमको दिखेगा। और ये हमारा एक्सट्रूड की डेप्थ है, ये हम जितनी चाहे उतनी दे सकते हैं, 50 देते हैं। और इसको हम ओके कर देते हैं। ये देखिए हमारा पाई ग्राफ बन गया। थैंक यू।